हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हमारा खत्म कर दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन का। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेसेस क्रूड वेजिटेबल्स ऑयल, इट डज रिफाइनिंग ऑफ द सेम। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन फोर प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एम एन ओ और पी। ठीक है, सनशाइन ऑयल कंपनी है, क्रूड वेजिटेबल ऑयल खरीदती है और उसको रिफाइन करके चार प्रोडक्ट बनाती है, एम एन ओ पी। प्रोडक्ट ओ इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ओ फुल्ली प्रोसेस हो चुका है, उसके आगे और कुछ नहीं बचता। प्रोडक्ट एम एन एंड पी कैन बी इंडिविजुअली फर्दर रिफाइंड इन टू सुपर एम, सुपर एन एंड सुपर पी। Now, in the most recent month, which is March 2019, the output at split off point was, this was the output at split off point, charo product ka. The joint cost of purchasing the crude vegetables oil and processing it were 40 lakhs. Ye 40 lakhs ho gaya, joint cost. Now, Sunshine had no beginning or ending inventories. Matlab, jitna produce kiya, sab bech diya. Sales of product O in March 2019 were 20 lakh rupees and total output of product M, N and P was further refined and then sold. Okay, product O split off point पे fully process हो जाता है, तो आपको बोला है कि उसका sales 20 lakh है और वो split off point पे बेचा गया। एम एन और पी फर्दर रिफाइन होके आगे बेचे गए, मतलब एम एन और पी को आपने फर्दर रिफाइन किया है। नाउ डेटा रिलेटेड टू मार्च 2019 आर एज फॉलोस। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू मेक सुपर प्रोडक्ट्स, ये जो है दीज आर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों के, और ये हो गए उनके अल्टीमेट सेल्स आफ्टर प्रोसेसिंग। Now Sunshine had the option of selling products M, N and P at split off point. This alternative would have yielded the following sales for the March 2019 production. Agar split off point pe bechte to kya milta? M ka 20 lakh, N ka 12 lakh aur P ka 28 lakh. Now you are required to answer how the joint cost of 40 lakh to be allocated would be allocated between each product under each of the following methods: sales value at split off, physical output and estimated NRV. So first question is joint cost kaise batta tha agar ye tino method se batte to. Second question is could Sunshine have increased its March 2019 operating profits by making different decision about further refining of product M, N or P? Show the effect of any change you recommend on operating profits. At a time, एक question सोचने का, ठीक है? पहला question हमको यह है कि joint cost allocate करना है, जिसमें भी पहला method है sales value at split off. But उससे पहले बनाना हो तो पेड़ बना लो। This is question 2 on page 95. पहले तो मैं पेड़ बना लेता हूं। आपको जॉइंट कॉस्ट बोली है 40 लाख, देन इसमें से स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे चार प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, एक दो तीन चार प्रोडक्ट एम एन ओ पी। कितना आउटपुट आ रहा है? 3 लाख गैलन
1 lakh gallon 50,000 gallon and 50,000 gallon. ठीक है, जिसमें से ओ ये फुल्ली प्रोसेस्ड है, सिर्फ एम एन और पी ये आगे प्रोसेस हो सकते हैं. एम एन और पी ये आगे प्रोसेस हो सकता है. फिर आपको क्या बोला है, ओ का सेल्स वॉज 20 लैक्स, ओ तो यहीं बेचा जाएगा. ठीक है, मुझे सेल्स मालूम तो मैं सीधा सेल्स लिख रहा हूं. इस क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस दी नहीं है, चाहिए तो निकाल सकते हैं, दी नहीं है तो मुझे सेल्स दिया है तो मैं सेल्स लिख रहा हूं सीधा. और क्या बोला है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मालूम है तीनों की, 80 लाख, 32 लाख, 36 लाख. दिस विल बी 80 लैक्स, 32 लैक्स, 36 लैक्स. देन और क्या मालूम है, द सेल्स, ये सेल्स है फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद के सेल्स. ठीक है, हम लोग ये तीनों प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं फिलहाल. तो 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख, 48 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख, 48 लाख, ये सेल्स है. एंड अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचते तो तीनों के क्या सेल्स मिलते, 20 लाख, 12 लाख, 28 लाख. इट वॉज 20 लाख, 12 लाख और 28 लाख. ठीक है, तो आगे फर्दर प्रोसेस करके बेचना या नहीं बेचना यह डिसीजन तो हम स्ट्रेट अवे ले सकते हैं. जैसे मैं प्रोडक्ट एम कंसिडर करूं तो 1 करोड़ से सेल्स बढ़ रहा है और 80 लाख की एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो आगे फर्दर प्रोसेस करने में सेंस बनता है. प्रोडक्ट एन 28 लाख से सेल्स बढ़ रहा है लेकिन 32 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, नहीं प्रोसेस करना चाहिए. देन दिस प्रोडक्ट पी 20 लाख का एक्स्ट्रा सेल मिल रहा है, एज अगेंस्ट दिस 36 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, नहीं करना चाहिए. ठीक है, बट ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है जॉइंट कॉस्ट बांटना है, हम लोग जॉइंट कॉस्ट बांट लेंगे पहले. क्वेश्चन टू ऑन पेज 95. ठीक है, आपको क्वेश्चन की नंबरिंग दी है 1 का ए. मीन्स अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट पहले आपको बोला है बाय सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ. अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट by sales value at split off method. ठीक है, तो पहले सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकाल लो और उसी रेशियो में निकाल लो, मतलब वो तो गिवन ही है, उसी रेशियो में सबको बांट दो ज्वाइंट कॉस्ट को. ठीक है, पर्टिकुलर्स के साथ 4 प्रोडक्ट्स और 1 टोटल.
आपका टेबल बनेगा। एक कॉलम टोटल का रहेगा, चार कॉलम चारों प्रोडक्ट्स के रहेंगे। दिस विल बी पी, दिस विल बी ओ, दिस विल बी एन, दिस विल बी एम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, एम एन ओ पी एंड टोटल। ठीक है, हम लोगों को बांटना है बाय सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कितना है? तो स्प्लिट ऑफ का सेल्स हमने सीधा ही लिख के रखा है, 20 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 28 लाख। विल से 20 लाख, 12 लाख, 20 लाख और 28 लाख। 20 और 20, 40, 28 और 12, 40, 40, 40, 80। तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, अगर इनका रेशो निकाला तो इट विल बी 20:12:20:28। 4 से डिवाइड किया तो इट विल बी 5:3:5:7। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 5:3:5:7। और जॉइंट कॉस्ट कितना है? इट इज 40 लाख। 40 लाख को ये रेशो में बांटना है। दिस विल बी 10 लैक्स, 6 लैक्स, 10 लैक्स, 14 लैक्स। ठीक है, ये हुआ अपोर्शनमेंट बाय सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। देन सेकेंड चीज आपको बोली है, वी नीड अपोर्शनमेंट बाय फिजिकल आउटपुट, मतलब गैलेंस के हिसाब से। फिजिकल आउटपुट के हिसाब से इट विल बी 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000। विल से अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बाय फिजिकल आउटपुट मेथड। वापस वही कॉलम्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स के साथ चारों प्रोडक्ट एंड टोटल। पर्टिकुलर्स के साथ इट विल बी एम एन ओ पी एंड टोटल। फिजिकल आउटपुट विच इज इन गैलेंस, तो फिजिकल आउटपुट कितना है? 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000।
इट विल बी 3 लाख, 1 लाख, 50 हजार, 50 हजार, टोटल विल बी 5 लाख। तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, चालीस लाख का जॉइंट कॉस्ट है, द अपोर्शनमेंट विल बी इन द रेशियो 30, 10, 5 and 5, we can say 6:2:1:1, सबको अगर मतलब ये रेशो को सबको अगर 50-50 हजार से डिवाइड कर दिया तो वी गेट 6:2:1:1। तो इसको 40 लाख को इस रेशो में बांटना पड़ेगा, ये आएगा 24 लाख, देन 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ये हुआ। देन अपने को तीसरा चीज चाहिए, अपोर्शनमेंट By estimated NRV method, estimated net realizable value. We'll say apportionment of joint cost by estimated NRV method. Now, फिर से वही कॉलम्स, ठीक है, इसके लिए मुझे पहले एस्टिमेटेड एनआरवी निकालना पड़ेगा और फिर उसके रेशो में, एस्टिमेटेड एनआरवी के रेशो में जॉइंट कॉस्ट बटेगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स के साथ अपने चारों प्रोडक्ट के कॉलम, दिस विल बी पर्टिकुलर्स एम एन ओ पी एंड टोटल। नाउ एस्टिमेटेड एनआरवी निकालने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यूज 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख, ओ के लिए तो यही आने वाली है 20 लाख एंड 48 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 48 लाख, टोटल कितना, 160, 180, 328। लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 80 लाख, 32 लाख, वो फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा है तो उसका आएगा नहीं, और 36 लाख।
80 लाख, 32 लाख, और ये आएगा 36 लाख। बराबर, देन कितना आता है ये, 30 और 30 60, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 46, 1 करोड़ 48 लाख। दिस इज एनआरवी। ये आएगा 40 लाख, 8 लाख, 20 लाख और 8 लाख, 8 ने 12 लाख। बारह और आठ 20 और 20 40 और 40 80। इस रेशो में बटेगा जॉइंट कॉस्ट, विल से अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितना है, 40 लाख, और मुझे ये रेशो में बांटना है। ये रेशो क्या है, इट इज 40:8:20:12। तो मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो 10:2:5:3। This will be 20 lakhs, 4 lakhs, 10 lakhs, 6 lakhs. ठीक है, 40 लाख को ये रेशो में बांट दिया। क्वेश्चन फर्स्ट अपना फिनिश होता है। क्वेश्चन फर्स्ट में अपने को इतना ही बोला है कि हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 40 लाख वुड बी अलोकेटेड बाय दिस, मतलब दीज थ्री मेथड्स। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कुड सनशाइन हैव इंक्रीज्ड इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग अ डिफरेंट डिसीजन। तो सेकेंड क्वेश्चन, राइट नाउ सनशाइन कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करके बेच रही है। तो मुझे यह पता करना है कि ऐसा करने में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नुकसान हो रहा है क्या। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ठीक है। इस डिसीजन में ओ का कोई काम नहीं है क्योंकि ओ आगे फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता, तो उसके डिसीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पर्टिकुलर्स के साथ सिर्फ 3 प्रोडक्ट आएंगे। And we don't even require total का कॉलम। आएंगे particulars, product M, N और P। कंपेयर क्या करना है, सेल्स वैल्यू प्रोसेसिंग होने के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू कंपेयर्ड विद सेल्स एट स्प्लिट ऑफ। विल से सेल्स वैल्यू
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इसकी 1,20,00,000 एन की है 40,00,000 और पी की है 48,00,000 लेस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ यही प्रोडक्ट्स अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचते तो 20,00,000 12,00,000 और 28,00,000 कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है This will be incremental revenue. तो प्रोडक्ट एम में फर्दर प्रोसेसिंग करने की वजह से 1,00,00,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रोडक्ट एम में 28,00,000 प्रोडक्ट पी में 20,00,000 और ऐसा करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट एम के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 80,00,000 प्रोडक्ट एन के लिए इट इज 32,00,000 और प्रोडक्ट पी के लिए इट इज 36,00,000 तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दैट्स 20,00,000 दिस इज नेगेटिव 4,00,000 दिस इज नेगेटिव 16,00,000 क्वेश्चन ये है कि कुड सनशाइन हैव इंक्रीज्ड इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बाय मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस अबाउट फर्दर रिफाइनिंग फर्दर रिफाइनिंग के लिए कोई और डिसीजन लेते तो प्रॉफिट बढ़ता था क्या तो एज वी कैन सी हियर प्रोडक्ट एन में फर्दर प्रोसेसिंग के वजह से 4,00,000 का नुकसान है प्रोडक्ट पी के लिए फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से 16,00,000 का नुकसान है मतलब इन ऑल एन और पी फर्दर प्रोसेस करके 20,00,000 का नुकसान हो रहा है नहीं करते तो 20,00,000 से आपका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाता था तो वील से वन सनशाइन ऑयल कंपनी सनशाइन ऑयल कंपनी could have increased its operating income by rupees 20,00,000 कहां से आया ये 20,00,000 4,00,000 plus 16,00,000 By not processing product N and P further. By not processing product
एन एंड पी फर्दर. But sell them at split off point. तो product N और product P आगे process ना करके अगर split off point पे बेचते तो 20 लाख का profit extra होता था, नुकसान कम होता था. Basically आपने ये करके ये 20 लाख का नुकसान करवा लिया, ठीक है. ये क्वेश्चन है, यहां पे भी देख के बोल सकते हैं हम लोग, ये 28 लाख बढ़ रहा है और 28 लाख के रेवेन्यू के लिए 32 लाख का कॉस्ट लग रहा है, यहां 20 लाख के रेवेन्यू के लिए 36 लाख का कॉस्ट लग रहा है. डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन सेकंड. देन क्वेश्चन थर्ड, इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी एमर्ज एट अ सिंगल स्प्लिट ऑफ स्टेज इन डिपार्टमेंट पी. ठीक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिपार्टमेंट पी है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. स्प्लिट ऑफ की स्टेज पे तीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ए बी और सी. प्रोडक्ट ए इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट क्यू, प्रोडक्ट बी इन डिपार्टमेंट आर एंड प्रोडक्ट सी इन डिपार्टमेंट एस. तीन प्रोडक्ट बने ए बी और सी, कौन से डिपार्टमेंट में बने? डिपार्टमेंट पी में. फिर ए को भेज दिया डिपार्टमेंट क्यू में आगे प्रोसेसिंग के लिए, बी को भेज दिया डिपार्टमेंट आर में आगे प्रोसेसिंग के लिए और सी को भेज दिया डिपार्टमेंट एस में आगे प्रोसेसिंग के लिए. Now there is no loss in further processing of any of the three products. The cost data for the month are as under. Cost of raw materials introduced in department P is 12,68,800. Now direct wages P K, Q K, R K or S K, ये बोले हैं आपको. And factory overheads of 4,64,000 are to be apportioned to the departments on direct wage basis. Then during the month under reference, the company sold all the three products after processing them as under. Processing them further as under. मतलब हमने further processing complete करने के बाद ही material बेचा. Material मतलब finished goods बेचा. कितना? प्रोडक्ट ए 44,000 सोल्ड एट 32, प्रोडक्ट बी 40,000 सोल्ड एट 24, प्रोडक्ट सी 20,000 सोल्ड एट 16. नाउ देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स. इफ दीज प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज दैट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, द सेलिंग प्राइसेस वुड हैव बीन 20, 22 एंड 10 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली. तो ये जो सेलिंग प्राइसेस है ये फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद के सेलिंग प्राइसेस है. इट सेज अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचा होता तो 20, 22 और 10 रुपीज में बिक जाता था. रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट. अपोर्शनमेंट क्या बेसिस पे करना?
बोला नहीं है, ठीक है, विल सी, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये हो गया, ठीक है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ अंडर रेफरेंस एज पर कंपनीज करंट प्रोसेसिंग पॉलिसी. करंट प्रोसेसिंग पॉलिसी इज प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचना. तो उनको प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट चाहिए. अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचा तो देन व्हाट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था क्या. कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन इन थ्री अबव. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था क्या. अगर लेना चाहिए तो उसका भी प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना आता था. ठीक है, विल चूज टू सॉल्व वन बाय वन. पहला काम, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट. This is question 3 on page 96. ठीक है. Now joint cost अपोर्शन करने से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जॉइंट कॉस्ट कितने हैं. रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डिपार्टमेंट पी 12,68,800, ये तो मेरे लिए जॉइंट कॉस्ट है. ठीक है, इनका क्या. तो अंडरस्टैंड दिस, डिपार्टमेंट पी में तीनों प्रोडक्ट्स अलग हो रहे थे. डिपार्टमेंट पी मतलब सबसे प्राइमरी डिपार्टमेंट है जहां पे तीनों प्रोडक्ट्स एट द एंड अलग हो रहे, मतलब पूरे प्रोसेसिंग के बाद अलग हो रहे. विच मीन्स डिपार्टमेंट पी में जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सब जॉइंट कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट क्यू आर और एस में तो फर्दर प्रोसेसिंग होने वाली है. सवाल यह है, डिपार्टमेंट पी में टोटल खर्चा कितना आएगा. तो हम लोग पहले वो निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट. ठीक है, चार डिपार्टमेंट से पी क्यू आर एस, उसके साथ एक पर्टिकुलर्स का कॉलम लगेगा. तो यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, दिस विल बी पी क्यू आर एस. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ये सिर्फ डिपार्टमेंट पी में लगा है, तो विल से रॉ मटेरियल्स डिपार्टमेंट पी में लगा है, इट इज 12,68,800. इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं. ठीक है, डायरेक्ट वेजेस चारों डिपार्टमेंट में लगे हैं, विल से डायरेक्ट वेजेस कितने, 3,84,96.
64 36, और आपको नीचे बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,64,000 आर टू बी अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑन डायरेक्ट वेज बेसिस। डायरेक्ट वेजेस के रेशो में ये 4,64,000 रुपीस बटेंगे, डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बटेंगे 4,64,000 रुपीस। डायरेक्ट वेजेस की टोटल कितनी है, 384 प्लस 96 प्लस 64 प्लस 36, इट्स 5,80,000। 464 डिवाइड बाय 5,80,000 इनटू 0.8 आता है, इनटू 3,84,000, दिस कम्स एज 307,200। विल से फैक्ट्री ओवरहेड ब्रैकेट में लिखेंगे इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, दिस कम्स एज 3,07,200, देन दिस इनटू 96,000 आएगा, 76,800, this into 0.8, 51,200, this into 0.8, 28,800. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 4,64,000, डायरेक्ट वेजेस इज 5,80,000, तो पी के लिए किया इनटू 3,84,000, क्यू के लिए किया इनटू 96,000, ऐसा हर एक के लिए निकाल लिया। व्हाट इज द डिपार्टमेंट वाइज टोटल वेजेस, तो 1,268,800 प्लस 384 प्लस 307,200 या था 19,60,000। डिपार्टमेंट क्यू 96,000 प्लस 76,800, दैट्स 172,800। 64,000 प्लस 51,200, दैट्स 115,200। 36,000 प्लस 28,800 इज 64,800। अब हमको बोला है कि डिपार्टमेंट पी में जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एट द एंड मतलब डिपार्टमेंट पी में वो स्प्लिट ऑफ हो रहा है, तो ये जो कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट पी में लग रहा है दैट रिप्रेजेंट्स जॉइंट कॉस्ट। देन प्रोडक्ट ए इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट क्यू, B is further processed in R and C is further processed in S. तो ये product A का further processing cost है, ये product B का further processing cost है और ये product C का further processing cost। तो अब हम लोग हमारा पेड़ बना सकते हैं। जॉइंट कॉस्ट
यह है हमारे टेबल से 19,60,000। ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, थ्री प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, कितना? 44,000 केजी, 40,000 केजी और 20,000 केजी। फोर्टी थाउजेंड केजीज एंड 20,000 केजीज। फाइन, तीनों प्रोडक्ट आगे फर्दर प्रोसेस हो सकता है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। आपको बोला है सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज 32, 24 एंड 16। ठीक है, फर्दर प्रोसेस होने के बाद के सेलिंग प्राइसेस दिए 32, 24 एंड 16। स्प्लिट ऑफ पे अगर बेचते तो प्राइसेस वुड हैव बीन 20, 22 एंड 10। अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचते इट वुड हैव बीन 20, 22 एंड 10। एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए अब हमको मालूम है, क्योंकि प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट क्यू में जा रहा है, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट आर में और प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट एस में। तो 172,800 देन इसका आएगा 115,200 एंड इसका आएगा 64,800। ठीक है, now everything is ready, now we can answer the questions. Pehla, prepare statement showing apportionment of joint cost to joint products. Kis ratio mein baantna? Jo bhi ratio mein humko achha answer milega us ratio, 19,60,000 hai. Theek hai, अगर मैंने फिजिकल यूनिट पे बांटा तो वो कैसे जाएगा? इट विल बी 44:40:20। ठीक है, तो टोटल 104 है, डिवाइड करके देखो, दिस डिवाइडेड बाय 104 बराबर आंकड़ा आता है क्या? डेसिमल में जा रहा है। ठीक है, मैं अगर ये रेशियो में बांटूंगा तो ये जॉइंट कॉस्ट डेसिमल में बट रहा है। आई एम नॉट प्रेफरिंग दिस। ठीक है, सेल्स वैल्यू में देखो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, तो 44,000 × 20, 8,80,000 40,000 × 22, 8,80,000 और 20,000 × 10 ये 2 lakhs हो जाएगा।
आठ अस्सी प्लस 8.80 प्लस 2 लाख, ये खुद भी 1960 होता है और उतना ही हमारा जॉइंट कॉस्ट भी है। इसका मतलब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे वो एकदम परफेक्टली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे मेथड उन्होंने नहीं बोली है, मेथड हम ले रहे हैं, और मेथड हम ले रहे हैं तो हम सबसे कन्वीनियंट मेथड लेंगे जो हमको डेसिमल में आंसर ना दे, क्योंकि बहुत चांसेस है मॉडल आंसर में भी वही मेथड होगा जो डेसिमल में आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वील डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, विल से अपोर्शनमेंट of joint cost by sales value at split off method. क्या तीन प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स के साथ, तीन प्रोडक्ट और टोटल पर्टिकुलर्स, तीन प्रोडक्ट इज ए बी सी एंड टोटल हमको चाहिए सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ दैट विल बी 44,000 इंटू 20 दैट विल बी 8,80,000। देन 40,000 इंटू 22 ये भी 8,80,000 होएगा। फोर्टी थाउजेंड इंटू 22 देन 20,000 इंटू 10 ये 2 लाख होगा। यह आता है टोटल 1960, 16, 17, 60 और 2, 1960, और हमारा जॉइंट कॉस्ट भी 1960 है तो सीधा अपोर्शन हो सकता है। सेम ही वैल्यूज आएगी, मतलब अगर यही रेशियो में बांटा तो टोटल 1960 है तो सेम ही वैल्यूज आने वाली है। इट विल बी 8.80 और 2 लाख। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन।
नाउ सेकेंड क्वेश्चन अपने से पूछा है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ एज पर कंपनीज करंट पॉलिसी. कंपनी की करंट पॉलिसी मतलब कंपनी फर्दर प्रोसेस करके बेच रही है और फर्दर प्रोसेस करके बेचने के बाद फिलहाल उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ. विल से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर करंट पॉलिसी. अगेन पर्टिकुलर्स के साथ तीन प्रोडक्ट और टोटल. पर्टिकुलर्स तीन प्रोडक्ट ए बी सी एंड टोटल. करंट पॉलिसी है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है, तो वी हैव टू स्टार्ट विथ सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. क्या आएगा, दिस विल बी 44,000 केजी बट एट द रेट ऑफ 32, दैट्स 14,08,000. देन ये 40,000 केजी एट द रेट ऑफ 24, 9,60,000. Then 20,000 kg at the rate of 16. Lakh 20,000, 1408 plus 960, 320, 2688. ठीक है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितने हैं, 172,800, 115,200 एंड 64,800. And 64,800. That's 352. Less joint cost. सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट. जॉइंट कॉस्ट कितना बांटा हमने,
ये अपोर्शन के है ऊपर 8.80, 8.80 और 2 लाख। That's 1960। So this is profit कितना 1408 - 172 800 - 8,80,000 दिस इज 355,200। -160 - 115,200 - 880 दैट इज 35,200 का लॉस। सेकेंड प्रोडक्ट के लिए लॉस आ रहा है 55,200। दैट्स 375,200। तो गड़बड़ हुआ है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की टोटल गलत लिखी है। ये आएगा प्रॉफिट, देन थर्ड क्वेश्चन, what processing decision should have been taken to improve the profitability of the company? अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो आप दूसरा क्या डिसीजन ले सकते हो? तो हम लोगों को वापस कंपैरेटिव चार्ट देना पड़ेगा कि आफ्टर प्रोसेसिंग पे बेच के क्या मिल रहा है, स्प्लिट ऑफ पे बेचते तो क्या मिलता, एंड कंपेयर इट विथ द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। We'll say calculation of incremental profit ठीक है। अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट चाहिए पर्टिकुलर्स के साथ, टोटल नहीं चाहिए। Will be particulars, product A, product B, product C. ठीक है, वापस incremental profit कैसा आता, that will be sales value after further processing, तो further processing की sales value हम लोगों ने पिछले table में लिखी है, it will be 1408, 960, 320,
लेस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ की सेल उसके पिछले टेबल में लिखी है, इट इज 880 एंड 2 लाख. तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विल बी 5,28,000, 80,000, 1,20,000. And compare this with further processing cost. Further processing cost. Further processing cost 172,800, 115,200, and 64,800. Will be incremental profit. So 5,28 minus 172,800 product B mein loss aa raha, it is 35,200. यहाँ पे 55,200. तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के हिसाब से प्रोडक्ट भी फर्दर प्रोसेस करने पे लॉस आ रहा है. क्वेश्चन ये है कि कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था क्या? व्हाट प्रोसेसिंग डिसीजन शुड हैव बीन टेकन टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी? तो हम लोग ये बोल सकते हैं, टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट बी शुड नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर. ठीक है. अच्छा, आप ये ऑब्जर्व करो, टोटल प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट सेम दिख रहा है यहां पर. क्यों ऐसा? क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे सेल्स और कॉस्ट इक्वल आ रही है. स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू है वही प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट है. इसका मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है. आपने स्प्लिट ऑफ तक एक भी रुपया नहीं कमाया. जो भी कमा रहे हो या जो भी लॉस हो रहा है वो स्प्लिट ऑफ के बाद हो रहा है, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे इट इज अ पोजिशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. इसके वजह से वो सेम आ रहा है. We'll say therefore, to increase the income, question क्या बोला है, to improve the profitability, sorry रुपये ऐसा बोलेंगे, to improve the profitability of the company, by rupees 35,200 by rupees 35,200 we suggest that product B should not be processed further. ठीक है, क्या डिसीजन लेना, यही क्वेश्चन पूछा था.
तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बी को आगे प्रोसेस नहीं करना, उससे नुकसान हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन। अपन रेकमेंड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट भी प्रोसेस नहीं करना आगे, बाकी दोनों कर लो, तो ऐसे में प्रॉफिट कितना आएगा वो कैलकुलेट करके बताना है, प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट। तो फिर से ये स्टेटमेंट आएगा जो हमने सेकंड में बनाया, सिर्फ प्रोडक्ट बी को स्प्लिट ऑफ पे बेचना है। विल अगेन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर आर रिकमेंडेशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर आर रिकमेंडेशन। Particulars, particulars के साथ तीनों product and total। This will be total, this will be product C, this will be product B, this will be product A, ये हो गया particulars, product A, product B, product C and total। सेल्स वैल्यू, ठीक है, विल जस्ट राइट सेल्स वैल्यू, क्योंकि अब सब चीजें ना फर्दर प्रोसेस हो रही है ना सब चीजें स्प्लिट ऑफ पे बेची जा रही है, तो विल जस्ट से सेल्स वैल्यू। ए के लिए सेल्स वैल्यू हम लेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली 14,08,000। बी को हम स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हैं तो बी की सेल्स स्प्लिट ऑफ की लो 8,80,000। सी को हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं वो तब की सेल्स लो 3,20,000। तो ये 14,08,000 प्लस 8,80 प्लस 3,20 26,08,000। लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बी फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा है तो बी के लिए कुछ नहीं आएगा, ए के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 172,800, सी के लिए इट इज 64,800। दैट्स 237,600। लेस जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट 8,80 और 2,00,000। दैट्स 1,960। This will be profit हमारे recommendation के हिसाब से। तो A के लिए आता है 355,200, B के लिए कुछ नहीं आएगा, C के लिए it is 55,200, that's 410,400।
ठीक है, तो ये प्रॉफिट तो हम सीधे ही उठा सकते हैं, हमको मालूम है कि ए फर्दर प्रोसेस होके आ रहा है तो बेसिकली उसका प्रॉफिट यही रहेगा, सी भी फर्दर प्रोसेस होके आ रहा है उसका प्रॉफिट ये रहने वाला है। तो ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमने सेकेंड वाले पार्ट के लिए सॉल्व किया था, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। चेंज किस में आएगा? सिर्फ बी में, बी का कोई प्रॉफिट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना के बेच रहे हो उसको। नाउ यूजुअली ऐसे टाइम पे मुझे क्वेश्चन आता है कि फिर हम बी बनाना रेकमेंड क्यों कर रहे हैं? अगर बी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है तो हमने बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए उसको, उसमें से प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा। तो ऐसा है कि यहां पे हमको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है एक। अब ऐसे केस में यूजुअली मुझे वापस बोला जाता है कि नुकसान नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, एनर्जी जा रही है, सब कुछ जा रही है, लोग लगे हैं, सब कुछ लगा है और अल्टीमेटली प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इतना टाइम खर्चा करके प्रॉफिट जीरो है, तो फिर क्यों? तो दूसरा रीजन ये है, मतलब एक तो नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरा रीजन ये है कि हम लोगों को प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी कभी कभार मार्केट में मेंटेन करनी पड़ती है। हमने अगर मार्केट से, क्योंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और मार्केट से प्रोडक्ट खींच लिया तो हमारा प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे ही नहीं, करना ही भूल जाएंगे, देयर विल बी न्यूअर प्रोडक्ट्स, फिर वापस री एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जब तक लॉस में नहीं है हम बंद करने का डिसीजन नहीं देते, ठीक है। और यहां पे इस केस में जैसे लॉस भी हुआ तो भी हम सीधा बंद करने का डिसीजन नहीं देंगे जब तक पूछा नहीं है, जब तक पूछा नहीं। अगर वो पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए तो ठीक है हम बता देंगे, जब तक नहीं पूछे हैं खुद होके प्रोडक्ट बंद करवाने का नहीं, ठीक है। फाइन, तो ये अपना क्वेश्चन थ्री हुआ। अब क्वेश्चन फोर, थोड़ा स्टार मार्क वाला समय, बट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक ये सम्स प्रैक्टिस करके रखो, रूटीन ही सम्स थे जो अभी दोनों सम्स किए, करके रखो, आगे का विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।